नमस्कार दोस्तों, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेक सिंह भाटी। आज की खबर यह है कि भारत सरकार ने KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 को निरस्त कर दिया है। इस बारे में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना जारी की है और इस सूचना में बताया गया है कि 2022 के लिए निर्धारित परीक्षा निरस्त कर दी गई है। साथ ही में ये कहा गया है कि आगे आने वाले वर्षों में भी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का आयोजन नहीं किया जाएगा। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना को विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। योजना का संचालन केंद्र सरकार और विज्ञान और तकनीकी विभाग दोनों मिलकर करते हैं। बेसिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे छात्रों को इस योजना के अंतर्गत 5,000 से 7,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत फेलोशिप लेने के लिए उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होता है और इस टेस्ट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ विज्ञान द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अब सरकार ने एप्टीट्यूड टेस्ट को तो हमेशा के लिए निरस्त कर दिया है। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि KVPY स्कीम फेलो मौजूदा मानदंडों के अनुसार कार्यकाल पूरा होने तक अपनी फेलोशिप को प्राप्त करना जारी रख सकेंगे। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अनुसार इस योजना को दूसरी साइंस रिसर्च योजना इंस्पायर के साथ जोड़ा गया है, जिसमें स्टूडेंट को साइंस लर्निंग और प्रैक्टिकल एबिलिटी के आधार पर इंस्पायर अवार्ड दिए जाते हैं। एक्सपर्ट का भी मानना है कि बीते कई सालों से यह देखा जा रहा था कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की फेलोशिप मिलने के बाद भी स्टूडेंट्स साइंस रिसर्च को कैरियर नहीं चुन रहे थे बल्कि प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की तरफ जा रहे थे। ऐसे में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना को देश के साइंटिस्ट बनाने की भावना को बढ़ावा देने का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी ओर इंस्पायर अवार्ड के कई स्टूडेंट ने बेसिक साइंसेज को करियर चुना, यही वजह रही कि इन दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया गया है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा और मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ।